वन एनबीएफसी स्टॉक टू वॉच। तो परंपरा के अनुसार मैं आपको नाम बता देता हूं एसबीआई कार्ड्स के बारे में आज हम बात करने वाले। रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, कहीं कहीं अच्छी चीजें हैं और कहीं कहीं प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर से डिसअपॉइंटमेंट भी थोड़ी सी लग रही है बिकॉज प्रोविजंस वगैरह ज्यादा हुए हैं। तो इसीलिए एक थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस इस स्टॉक का मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं, हैप्पी दिवाली, ये प्रोमो कोड एक्टिव है। हाईएस्ट एवर डिस्काउंट, बिगेस्ट एवर डिस्काउंट सेल इज ऑन। प्लीज विजिट investindia.in, 60% डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल जाएगा। कॉम्बो ऑफर्स के लिए जाओगे, 3 साल के सब्सक्रिप्शन जाओगे, स्टॉकोमीटर प्लस फंडोमीटर के साथ सब्सक्राइब करोगे मॉडल पोर्टफोलियोज को, देन द डिस्काउंट्स वुड बी एज हाई एज 70 to 75%। ऑल्सो प्लस आपको फ्री लर्निंग कोर्सेज भी इस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप जरूर investindia.in को विजिट करेंगे। तो पहले नंबर्स को एनालाइज करते हैं कि नंबर्स क्या आए हैं। तो स्क्रीन पे आपको नंबर्स भी नजर आ जाएंगे। तो इंटरेस्ट इनकम जो है एसबीआई कार्ड्स का, ये क्वार्टर का रहा है 1484 करोड़ रुपीस। तो ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज अप बाय 27%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 7%। तो सिक्वेंशियल ग्रोथ भी अच्छी है एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी अच्छी है। बट फाइनेंस कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो कॉस्ट इस बार इस क्वार्टर में 45% से ईयर ऑन ईयर बढ़ी है एंड 19% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है। तो डेफिनेटली दिस कॉस्ट गोइंग अप इज एक्चुअली टेकिंग डाउन द नेट इंटरेस्ट इनकम ऑफ द बैंक। दो अगर क्रेडिट कार्ड के लोन से तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है कंपनी को बहुत ज़्यादा होता है। आप सभी को पता है कि यहाँ पे 3% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया जाता है एंड दैट्स वाई कि ये फाइनेंस कॉस्ट भले ही बढ़ी है बट कंपेयर अगर आप करोगे दोनों नंबर्स को तो आपको कुछ लगेगा ही नहीं। विजाविज अगर बैंक्स के इंटरेस्ट इनकम एंड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर की आप बात करते हो तो डेफिनेटली द नंबर्स आर मतलब काफ़ी नज़दीक होते हैं वो नंबर्स परसेंटेज टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखेंगे तो ये भी समझना है। सो नेट इंटरेस्ट इनकम ये जो फिगर है इस क्वार्टर की वो है 1116 करोड़ रुपीज़। 21% से ये बड़ी है ईयर ऑन ईयर एंड 3% से बड़ी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अब इंटरेस्ट इनकम के कंपैरिजन में ये नंबर कम क्यों है? बिकॉज फाइनेंस कॉस्ट बढ़ गई है। सो दैट वाज द लॉजिक। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्रेडिट कार्ड बिजनेस, इनकम फ्रॉम फीस एंड सर्विसेस अगर हम देखते हैं सो दैट नंबर इज एट 1611 करोड़ रुपीज। तो ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज अप बाय 30%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 5%। सो दिस शोज कि एक्टिविटी जो है स्पेंडिंग की वो नॉर्मलसी की तरफ जाती हुई हमें क्लियरली नजर आती है। नंबर्स आर ऑल्सो सजेस्टिंग द सेम। ये एनआईआई के नंबर्स हो या फिर मैं जब आने वाले प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स आप लोगों के सामने रखूंगा तो ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ एक एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा है इस कंपनी से, आई थिंक उस पर काफ़ी अच्छी तरीके से खरी उतरती हुई नजर आ रही है कंपनी। सो जब हम नेट इंटरेस्ट इनकम एंड इनकम फ्रॉम फीस एंड सर्विसेज ऐड कर देते हैं तब हमें मिलता है नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो दिस पर्टिकुलर नंबर इज एट 3297 करोड़ रुपीज़। 28% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है एंड 6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुई है। सो दीज आर स्ट्रांग नंबर्स। अदर इनकम इज एट 156 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल हुआ है। नंबर स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो जब ये सारे नंबर्स हम मिला देंगे तो टोटल रेवेन्यू आता है 3453 करोड़ रुपीज़ का विच इज़ अप बाय 28% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज़ अप बाय 6%। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल ग्रोथ भी है एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी नजर आ रही है। नेट रेवेन्यू इज ऑल्सो अप बाय 26% ईयर ऑन ईयर एंड 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज एट 1834 करोड़ रुपीज़। तो ये कॉस्ट भी 33% से बड़ी है ईयर ऑन ईयर एंड 10% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर कॉस्ट इज अप कंपेयर मोर अप कंपेयर टू द इनकम और रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं। देन कम्स द नंबर ऑफ प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज अल्टीमेटली जहाँ से प्रोविजंस किए जाते हैं या फिर जो लॉसेस है उसको इम्पेयर किया जाता है। सो ये सारी चीज़ें, तो ये नंबर है 1252 करोड़ रुपीज़ का। सो दिस इज अप बाय 18% ईयर ऑन ईयर बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर हैज़ गॉन डाउन बाय 3%। तो यहाँ अगर ये टिपिकल एक कंपैरिजन हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये रीज़न हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये हुआ है, देन अदर इनकम जो है वो इस क्वार्टर में कम भी हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये भी एक रीज़न यहाँ पे हमें नज़र आता है। सो ये ओवरऑल ये ग्रोथ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हमें लगती है। इम्पेयरमेंट लॉसेस एंड बैड डेट की अगर हम बात करते हैं सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 546 करोड़ रुपीज। ईयर ऑन ईयर दिस नंबर हैज गॉन डाउन बाय 8%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज अप बाय 21%। सो डेफिनेटली इम्पेयरमेंट लॉसेस, बैड डेट, प्रोविजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये नंबर थोड़ा सा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ा है। देन कम्स दी प्रॉफिट बिफोर टैक्स नंबर इज एट 706 करोड़ रुपीज। तो यहाँ जो ग्रोथ हुई है कंपनी की वो 9% से है एंड 16%, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर फॉल भी यहाँ पे हुआ है। देन कम्स द नेट प्रॉफिट नंबर विच इज एट 526 करोड़ रुपीज। तो ईयर ऑन ईयर दिस नंबर इज अप बाय 52%, जो सबसे ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस नंबर इज डाउन बाय 16%, एंड दैट्स व्हाई सिक्वेंशियल फॉल इन नेट प्रॉफिट हैज एक्चुअली रिजल्टेड इन स्टॉक प्राइस गोइंग डाउन टुडे। सो दैट वाज द मेन रीजन फॉर दैट। सो इट्स ओके, मतलब दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल कीप ऑन हैपनिंग। एक क्वार्टर अच्छा, एक क्वार्टर खराब, या थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, या फिर लेस देन एक्सपेक्टेशन, समटाइम इट विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेशन। बट व्हाट वी नीड टू लुक एट, वी नीड टू लुक एट द ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ट्रेंड, नेट प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेंड। तो वो नंबर्स अगर मैं देखता हूँ H1 FY23 के नंबर्स में बाजू में रखता हूँ, मैं FY17 टू FY22 के नंबर्स अगर आपके सामने रखूँगा तो FY17 में प्रॉफिट था इस कंपनी का 3,346 करोड़ रुपए, 3,346 करोड़ रुपीज, एंड FY22 में ये नंबर था 10,677 करोड़ रुपीज। अगर H1 FY23 के जो नंबर्स आए हैं इसको अगर मैं एनुअलाइज नंबर्स में कन्वर्ट करता हूं सो वो जो नंबर हमारे सामने आएगा रेवेन्यू का, एंड दैट विल बी क्वाइट एनकरेजिंग नंबर, दैट नंबर विल बी 12,794 करोड़ रुपीज। यहाँ पे मैं सिक्वेंशियल ग्रोथ नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, जो फर्स्ट हाफ में नंबर आया है उसको सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करते हुआ जा रहा हूँ मैं, तो फिर भी ये जो CAGR ग्रोथ होगी आई थिंक दैट विल बी मोर देन 26%, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। नेट प्रॉफिट का अगर नंबर हम देखते हैं तो FY17 में पूरे साल का नेट प्रॉफिट कंपनी का आया था 373 करोड़ रुपीज़, एंड अब इस क्वार्टर में वो नंबर 500 करोड़ से ज़्यादा है। तो आप समझ रहे हो कि कितनी ज़बरदस्त अर्निंग्स यहाँ SBI ने दी है, तो ये भी समझ SBI कार्ड्स ने दी है। तो 373 करोड़ रुपीज़ टू 1,616 करोड़ रुपीज़ ऑफ नेट प्रॉफिट ग्रोथ इन 5 ईयर्स। तो CAGR कितना हुआ 34% का। इवन इन दिस पर्टिकुलर ईयर ऑल्सो, लास्ट ईयर द नेट प्रॉफिट वॉज 1,616 करोड़ रुपीज, एंड नाउ अगर मैं सिंपल एनुअलाइज्ड भी करता हूँ ये नंबर्स को तो वो नंबर 2300 करोड़ रुपए तक ऊपर जाता है। सो ये जो CAGR है 34% की, इससे भी ऊपर का ग्रोथ इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर ये कंपनी दे सकती है, एंड दैट्स वाई भले ही यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसअपॉइंटमेंट हमें लग रही है, बट द अपॉर्चुनिटी स्टिल क्वाइट हाई। इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 13 लाख नए अकाउंट्स ओपन किए गए हैं, मतलब नए क्रेडिट कार्ड्स इशू किए गए हैं, सो दैट्स ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन। रिटेल स्पेंड जो है वो भी काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 50,000 करोड़ रुपए या क्या 51,000 करोड़ रुपीज़ का रिटेल स्पेंड इस क्वार्टर में रहा है, एंड अगर कॉर्पोरेट स्पेंड्स की बात करते हैं तो अराउंड 11,000 करोड़ का वो स्पेंडिंग रहा है। एवरी क्वार्टर नए अगर आप देखते हो तो 5-5 लाख नए क्रेडिट कार्ड्स इशू करने की कोशिश कंपनी की तरफ से हो रही है। कार्ड्स इन फोर्स आर 19.1% करेंटली, सो इट इज़ एट नंबर 2 पोजिशन। फर्स्ट नंबर पर है HDFC बैंक, 21% का उनका मार्केट शेयर है कार्ड्स इन फोर्स में। नंबर 2 पोजीशन पे है SBI कार्ड्स विद 19.1% मार्केट शेयर, एंड नंबर 3 पोजीशन पे ICICI बैंक का कार्ड्स इन फोर्स एट 17.1%। दो स्पेंड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो HDFC बैंक इज एट नंबर 1 पोजीशन विद 26.5%, 19.3% के साथ नंबर 2 पोजीशन पे ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड्स, एंड 18% के साथ यहाँ पे SBI कार्ड्स है। तो नो डाउट यहाँ पे क्लियरली ICICI बैंक SBI कार्ड्स को बीट करता हुआ नजर आ रहा है, बट स्टिल द अपॉर्चुनिटी इज क्वाइट बिग बिकॉज कार्ड्स इन फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो SBI कार्ड्स इज एट नंबर 1 पोजीशन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 12.3% का ये नंबर है, विच इज सिक्वेंशियली फॉलिंग, देयर इज नो लॉजिक, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड जो है इस क्वार्टर में या आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ी सी बढ़ सकती है, तो उसका इंपैक्ट एनआईएम्स पे हो सकता है. वी कैन नॉट डिनाई दैट. कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज एट 59.4% एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज एट 23.2%. यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ा है बिकॉज कॉस्ट ओवरऑल बढ़े हैं एंड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नीचे गया है. आई थिंक अक्रॉस द इंडस्ट्री लेंडिंग की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज आर गोइंग डाउन बिकॉज अपॉर्चुनिटीज टू लेंड आर मोर. इन कार्ड स्पेस स्पेंडिंग इज मोर एंड दैट्स वाई वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो थोड़ा सा नीचे आ सकता है. रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर इज 24.1% विच इज क्वाइट स्ट्रांग. रिटर्न ऑन एसेट नंबर इज ऑल्सो एट 5.4%. ये भी नंबर काफ़ी अच्छा है, दो थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड है बट आई थिंक इट्स ओके. सो ओवर द पीरियड आई थिंक जैसे जैसे नेट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा आई थिंक दीज नंबर्स विल कीप ऑन गोइंग अप. ग्रॉस एनपीएज आर एट 2.14% विच इज क्वाइट कंफर्टेबल लेवल. 0.78% के नेट एनपीएज है विच इज ऑल्सो क्वाइट अंडर कंट्रोल. 64% का प्रोविजन कवरेज रेशियो है. सो फ्रॉम क्रेडिट क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बात करते हैं वैल्यूएशन की, जिसपे आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये पैरामीटर लगता होगा. तो आई थिंक पी रेशियो के हिसाब से बात करेंगे तो 36 का पी रेशियो है. नेट प्रॉफिट की ग्रोथ आपने देखी होगी 34% की है लास्ट 5 सालों की. सो आई थिंक कहीं ना कहीं ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ पी रेशियो, सो आई थिंक कहीं ना कहीं चीज़ें जस्टिफाई होती हुई दिख रही है. दो मार्केट इज वैल्यूइंग इट एट डिस्काउंट. 1 ईयर का मीडियन पी रेशियो इज एट 47. 3 ईयर का मीडियन पी रेशियो इज एट 68. तो उसके कंपैरिजन में स्टॉक इज लुकिंग क्वाइट अट्रैक्टिवली प्राइस्ड कंपेयर टू द अर्लियर लेवल्स. इवन प्राइस टू बुक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करते हैं तो 11.1 का 1 ईयर का मीडियन पीबी रेशियो है. करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.52 टाइम्स प्राइस टू बुक रेशियो. 3 साल का मीडियन पीबी रेशियो देखेंगे सो कंपेयर टू दैट 13.1 का वो रेशियो है. तो यहाँ पे 1 साल के मीडियन पीबी के हिसाब से 23% का डिस्काउंट है और 3 साल के हिसाब से 35% का डिस्काउंट है. आई एम नॉट सजेस्टिंग इमीडिएटली अरे वाह कितना अच्छा डिस्काउंट है, गो एंड इन्वेस्ट, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड वाई दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ट्रेडिंग एट लिटिल हायर प्रीमियम कंपेयर टू द इंडस्ट्री. ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री की बात करते हैं. एक तो स्केरसिटी प्रीमियम है, कोई और कंपनी लिस्टेड नहीं है. आई रियली डू नॉट थिंक कि कोई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस को अलग से लिस्ट करना चाहता भी है. सो दोज आर द थिंग्स विच विल ऑलवेज गिव सम काइंड ऑफ scarcity premium to this company and that's why this is one company which should be on your radar if you want to know कि भाई ये हमारे पोर्टफोलियो में है या नहीं है. तो आई थिंक हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड चल रहा है. सो हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 60% दैट इज द हाइएस्ट एवर बिगेस्ट एवर डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन. मात्र 4,000 रुपये में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. स्टॉकोमीटर प्लस, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियो को कंबाइंड वे में सब्सक्राइब करोगे देन द डिस्काउंट्स वुड बी एज 70 to 75% ऑल्सो. प्लस फ्री लर्निंग कोर्सेज भी ये पूरे सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलने वाले हैं. तो आशा करता हूं आप investindia.in को विजिट करके हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड जरूर यूज करोगे. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों. जय हिंद.